ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किस क्लास की पढ़ रहे हैं? 4-11, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा जी, केसी सिन्हा जी का पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में एस एफ भी बोला, ठीक है। शॉर्ट में कितना लोग इसको एस एफ बोलते हैं, एस एफ का फुल फॉर्म स्टूडेंट फ्रेंड, ठीक है। सब कुछ मैंने लिख रखा है 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री और 4-11 किस क्लास की पढ़ाई हो रही है? 11 क्लास की हो रही है। और कौन सी किताब चल रहा है? केसी सिन्हा का एस एफ, क्लियर है। और उसमें हम लोग जो लेसन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसका नाम है एंगल। क्या नाम है? एंगल एंड रियर मेजर्स, एंगल एंड रियर मेजर्स, एंगल एंड रियर मेजर्स हमारे लेसन का नाम है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोण तथा उनके माप, कोण तथा उनके माप हमारे लेसन का, ठीक है। यही हमारा 11 का सिलेबस का ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेसन का नाम है कोण तथा उनके। कल हम लोग देखे थे, देखिए कल जो नहीं आए हुए उन्हें थोड़ा सा लगेगा कि हमारा छुट्टा है। देखिए कल हम लोग देखे थे एंगल क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा डेफिनेशन लिखे थे, बहुत अच्छा शुरुआत किए थे। उसके बाद देखे थे कि इसको कैसे मापा जाता है, ठीक है, एंगल को कैसे, क्योंकि लेसन का ही नाम है एंगल एंड डियर मेजर्स, एंगल क्या है। उसके बाद बताया था कि कैसे मापा जाता है, उनको कैसे मापा जाता है, ये सब कहानी हो चुकी है। आज हम आपको एक नया चीज पढ़ाएंगे इसी में। देखिए वो नया चीज क्या है आज की, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक नया चीज, एक थ्योरम है, उसको पढ़ना है। स्टार लगाइएगा, हाँ टूल ले लीजिए, एक टूल एक्स्ट्रा है, हो गया। आप ऐसे देखिए मास्क लगाए, लगा लीजिए, छूट गया सर, आधा रास्ता में चाहिए। चला जाए इसका, देखिए सारी बातें लिखी, आधा डालिए 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री 4-11 केस लिखो बेटा, शुरू करो, ठीक है। पूरी कहानी लिखो, पूरी कहानी 18 अगस्त 2020 ट्रिग्नोमेट्री का प्राइम ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ऐसा होता है ना कि पढ़ाई हो गई है, बच्चे अपने घर गए, उससे पूछा गया कहाँ पढ़ गया है, और क्वेश्चन पढ़ के ना 5 नंबर, ये जवाब अच्छा नहीं है। होली का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, 11 क्लास का पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, केसी सिन्हा की किताब से हम पढ़े हैं एस एफ, जिसको बोलते हैं एस एफ, ठीक है। और पूछा गया कि त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, तो बोले एंगल एंड रियर मेजर्स पढ़े। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एंगल, जवाब दीजिए एंगल इज द रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग लाइन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स टर्मिनल पोजीशन इन द प्लेन। याद हो गया ना? यस सर। पढ़ाई करना है ना जी सर, थोड़ा सा याद करेंगे, रखना नहीं है, थोड़ा समझना है जरा। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखवाया था कि मेजर्स उनके माप कितने तरह से होते हैं, तीन तरह से होते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेंट्रिक। अरे सुनते रहिए आप, अपना लिखिए कहानी कहीं शुरू। हाँ, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, और हमने रेडियन, और इसका दूसरा नाम बताया था सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। कोण को मापने के तीन इकाई होते हैं, जैसे तरल पदार्थ को मापा जाता है पानी दूध या तेल को, तो उसको लीटर से मापा जाता है, ठीक है। उसी तरह कोण को मापने का तरीका है सेंटेस, क्या बताए थे, सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, तीन तरह से मापा जाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछता है कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या होती है, कहिएगा एक समकोण बराबर 90 डिग्री होती है, एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। और सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, एक मिनट बराबर 100 सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसको खूब पूछता है, पूछता है हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूछ देगा कि एक डिग्री बराबर क्या होगा, ऐसे
90 डिग्री तो फेमस है, सबको जानता है, 1 डिग्री थोड़ा गबरा जाता है, 1 डिग्री बराबर क्या आता है आपको मालूम है, 1 डिग्री बराबर क्या होती है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना है कि आज हम नया चीज लेकर आए, एक थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए स्टार लगाएगा, देखिए अगर टू प्रूफ जाए, इतना दिन कोचिंग बंद हो गया, लड़के लड़की सब बेचारा सब ट्वेल्थ वाला और एक सर अब खुलेगा, मन नहीं लग रहा है, क्लास जब याद आता है तो सब माइनस हो जाएगा। टू प्रूव डेट थीटा बराबर एल वाई आर, एक थ्योरम है, इसको साबित किया जाएगा, इसका बहुत क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। थीटा बराबर एल वाई आर लिखेंगे, फिर यार आर क्या है तो रेडियस, रेडियस एल क्या है आर ऑफ लेंथ, यस कोमी भाई ये मंगलवार है ना, मंगलवार कर गया, अच्छी बात है। स्टेबल हो गई, आप यहाँ आइए, चलिए बैठे स्कूल है, अब ऐसे साबित करेगी, इतना तो हिंदी आता है, इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, साबित करेगी या सिद्ध करेगी, ठीक है। थीटा बराबर एल बाई आर, मैं बता रहा हूँ कि आर क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस, और एल क्या है आर्क ऑफ लेंथ, क्या होता है चाप की लंबाई, चाप दो प्रकार के होता है, वो छोटा चाप है, वो बड़ा चाप, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क और मेजर, माइनर माने छोटा वाला, मेजर माने बहुत अच्छी बात। अब इसका हिंदी आने की देखिए, आर्क ऑफ लेंथ चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई हिंदी, चाप की लंबाई, रेडियस का हिंदी नहीं लिखवा रहे, सब कोई जानता है त्रिज्या होता है, रेडियस का हिंदी त्रिज्या नहीं लिखवा रहे, जो नहीं जानते वो लिखवा रहे, ठीक है। चाप की लंबाई आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई, एल क्या हो, एल तो हो गया, थीटा क्या है एंगल, बस हो गई। अब ये साबित करते हैं, थीटा बराबर एल बाई आर कैसे साबित, ठीक है। तो जिसको मैं ले जा रहा हूँ 13 अगस्त 2024 मिटा रहा हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री को मिटा रहा हूँ, मालूम चल गया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। याद रखिएगा जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रा, और इसको ख़त्म होने में मैंने कहा था कि 2 से 2.5 महीना, लेकिन अगर आप टैलेंट हैं तो इसको 1.5 महीना में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब तो देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू होगा तो अपने अंदाज मिल जाएगा किस रफ्तार में पर बना रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन सवाल है कि मेरी आदत है ना कि हम सबको ले के चलेंगे, कमजोर हो, मीडियम हो, फास्टर हो, देखिए मैं जितना लिखवा रहा हूँ उतना अगर आप कंप्लीट कर लिए ना, उसको बार बार देख लिए, प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल उड़ा लें। चलिए ध्यान रखिएगा, इस पर हम बहुत क्वेश्चन बनाने वाले हैं, थीटा बराबर एल बाई आर, थोड़ा सा प्यार से एकदम स्वीटली स्पीकिंग करेंगे, स्वीटली स्पीकिंग मतलब मीठी आवाज, हाँ जोर से ना कि बोल के द्वार बाबा चल जाए, बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आर इज ए रेडियस ऑफ सर्किल, एल एल बी ए बी ए आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ सर्किल, कोई सर्किल है जिसका जिसके अंदर एक कोण बन रहा है जिसका नाम क्या है थीटा, हम साबित करेंगे यहाँ से, कैसे साबित करते हैं, साबित करने वाले को हम लिखते हैं प्रूफ, प्रूफ माने होता है प्रमाण, क्या होता है प्रमाण, आप लिखे पी आर डब्ल्यू ए प्रूफ, और क्या करेंगे ना राइट साइड में एक सर्कल दिया,
राइट साइड यहाँ लिखेंगे बाद कीजिए। नहीं सोने से क्या होता है ना कि सुबह जब लगेगा तो सिर में दर्द होगा, जैसे मुझे हो पूरी ध्यान रख सिर में दर्द, वो नींद पूरा हो नहीं पा रहा लाइट नहीं। हम लोग छत पर सोने की आदत नहीं है, छत को लगा तेज हवा थोड़ा सा आदत हो जाएगा तो डेली तो सोना ही है। तो सुनो बेटा, This is called name is circle. This is called name is circle. इसका नाम है क्या circle? Circle का बहुत बड़ा गुण है कि एक उसमें सेंटर होनी चाहिए, ठीक है? और इस सेंटर से जो गुजरता है ना बाबू, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। कल मैंने एक बात कहा था, बात याद है क्या? कि जितनी रेडियस होती है ना, उतना ही हम यहाँ से चाप काटते हैं, ठीक है? तो वैसा आज भी करेंगे, तो थोड़ा एक हम मेजरमेंट लेते हैं। चलो ये तो बहुत छोटा हो रहा है, चलो इसको ले लेते हैं ना, यहाँ ऐसे ले लिया और इसके में एक प्रकार बना लिया इस तरह से, और फिर यहाँ रख के एक बार इसको मिला लिया, ठीक है? एक बार यहाँ रख के काट लिया ऐसे, एक बार यहाँ रख के काट लिया ऐसे, इसको मिला दिया। तो मिला दिया तो ये भी त्रिज्या हुआ, ये भी क्या हुआ? त्रिज्या। त्रिज्या हुआ, याद रखना, ठीक है? यस सर। तो बड़ा ध्यान रखना, इसका नाम है ए ओ बी, ठीक है? थोड़ा ऐसा फिगर बना दीजिए। तो यहाँ जो कोण बनेगा, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ जो कोण बनेगा जितना ये उतना ही ये भी है। तो जरा हमें बता देंगे ध्यान से कि यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उसका नाम क्या? एक रेडियन। क्या बनेगा? वन रेडियन। सब लोगों को जानकारी है ना इसका, ऐसा नहीं कि दूसरा कह रहे तो आप सुन के बता रहे हैं, सबकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर कहा जाए जितनी ये रेडियस है तो रेडियस के क्या है ना, इसका नाम है इनिशियल पॉइंट है। इसका नाम क्या है? टर्मिनल। स्टार्ट करते हैं इनिशियल होता है, जहाँ खत्म करते हैं टर्मिनल। टर्मिनल से जितना हम काटेंगे ना और फिर सेंटर से रहकर जितना काटेंगे या जो रेखा मिलाएंगे, इससे जो कोण बनेगा, जो झुकाव पैदा होगा। कलापी ने तो कहा था कि दो किरण जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं उससे जो झुकाव पैदा होता है, या दो रेखा जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, या दो रेखाखंड एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं और उससे जो झुकाव पैदा होता है ना, उसे कहते हैं एक रेडियन। एक रेडियन को आजकल शॉर्ट में 1K/c से सूचित किया जाता है, उतार लेंगे इसको एक रेडियन बोलेंगे, 1 रेडियन 1K/c। इसकी का मतलब क्या है? रेडियन। चलो लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, दोनों लिखवा देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए, ये तो कल की बात हो गई, अभी जो भी मैंने पढ़ाया है वो क्या है? कल ही वाली। ये तो कल की बात है ना? इट इज वेरी बैड हैबिट यू हैव टू सी द लंग्स टू विंडो, मम्मी इज वेट फॉर यू। क्या मम्मी दिया कर रही है? बेटी है लेगा तो नहीं आएगी। है कि पापा यहाँ सब लोग भोजपुरी बोल रहा है, नीचे उतर रहे हैं तो टीवी चल रहा है तो खाली भोजपुरी गाना लोग देख रहा है, हम परेशान हो गए, हम किससे साथ खेले। तो एक दिन के बाद कह रही है कि हाँ महिला में एक लड़की हमको मिल गई, हिंदी बोलती है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बबुआ जी के घर, बबुआ जी के घर है ये बगल में, बच्चा लोग का बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यानी कि बेटा 10 दिन रह जाओगी ना, भोजपुरी तुमको तुरंत आ जाएगा, भोजपुरी खराब थोड़ी है। तो बेटा हम लोग अपने पढ़ाई क्यों करते हैं? ध्यान से सुनना बेटा, एकदम ध्यान से, ये कल की पढ़ाई है, आज थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे ना। मैंने कल का कहा था कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और इसका नाम क्या है? चाप। क्या नाम है? चाप। लेकिन आज थोड़ा सा कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये तो रेडियन की परिभाषा हो गई ना। रेडियन जब पढ़ाते हैं तो इस तरह का फिगर बनाते हैं, सारी बात हम जो कुछ बता रहे हैं सब किसके बारे में बता रहे हैं? रेडियन। अभी तक क्या है? रेडियन। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यहाँ है ना, थीटा बराबर क्या? एल बाय आर।
तो जब ये थ्योरम है एक प्रकार का जिसको साबित करना है, परीक्षा में आ भी सकता है। तो याद रखना है कि जब आप नाइन्थ क्लास में होंगे, नाइन्थ क्लास में होंगे तो कितने थ्योरम आप पढ़े थे बताइए तो जरा। आप लोग कितने नाइन्थ में पढ़े? दस नहीं आते हैं? दो। अच्छा टेन में कितने पढ़े थे? आठ ही को सिलेबस तो बर्बाद कर दिया। हमारे जमाने में इसमें 42 थ्योरम था, इसमें 30 थ्योरम। जितना थ्योरम पढ़ लेना तो ज्योमेट्री काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ज्योमेट्री एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन आपके सामने ना कर आपकी ज्योमेट्री बहुत छोटा होगी, सुनना है ना। तो याद नहीं आ रहा कि नाइन्थ में कितने थ्योरम पढ़े थे? थ्योरम सर वो नहीं पढ़ाए थे कोचिंग में, लेकिन इतना है ये नहीं मालूम है ना। छोड़ दीजिए ये भी एक प्रकार का थ्योरम। अच्छा ये थ्योरम वर्ड हम निकाल क्यों रहे हैं? ये सब 9-10 के बाद हम क्यों ऊपर कर रहे हैं? हम इसलिए ऊपर कर रहे हैं ना कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ज्योमेट्री अच्छी है कि नहीं। अगर नहीं अच्छी होगी तो पूरा जीरो लेवल से चलेंगे। ध्यान से सुन बेटा कि जब आप 9th क्लास में थे तो थ्योरम पढ़े थे, 10th क्लास में थे तो थ्योरम पढ़े थे। थ्योरम को जैसे पाइथागोरस के बाद, चलो पाइथागोरस लिया था, किसी भी थ्योरम को साबित करने में को बात लिखते थे आप याद है? हाँ पता लिखते थे कि दिया है, किया है, दिया है। चलो भाई हिंदी में लिख लें। दूसरा का क्या करना है? लो भाई ये भी लिख दिया, सीध करना है कि करना है। अच्छा कोई की लिखता है, कोई की नहीं लिखता। बस यही तो सुनना चाह रहा था, इसीलिए 9-10 की कहानी कर रहा था। इसमें हमारे जमाने में 42 थ्योरम हुआ करते थे, इसमें 30। इतना थ्योरम पढ़ना होता था मेरे जमाने में। सिलेबस बदल गया है, छोटा कर दिया है सिलेबस। अच्छा सिलेबस छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मेरा जमाना हो या आपके पापा का जमाना हो या चीज़, तो वही है बेटा कि थ्योरम पढ़ते समय चार चीज़ के ध्यान होती है, ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या दिया है देखते हैं क्वेश्चन में, क्या दिया है? दूसरा का करना है, तीसरा का रचना, चौथा यही तो है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ब्रांड चीज़ बताता हूँ, सबको नहीं बताता वैसे, कि जब 9th में 10th में थे तो चार बात लिखा करते थे, लेकिन जब ऊपर के क्लास जाइएगा ना 11th 12th तो मात्र दो बात, ये बात रहेगा। देखिए ध्यान से कौन कौन बात रहेगा, एक ये और एक ये, ठीक है? ध्यान से सुनिए क्या साबित करना है, उसको देखेंगे क्या साबित करना है, क्या उसका प्रमाण है। तो चलिए बेटा यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि जो दिया हुआ था रचना, रचना मैंने होता है बनावट, बनावट मैंने होता है कि अपना मन से कुछ करना, अपना मन से। जैसे आप पढ़े होंगे थेल्स पर में, इस तरह का पढ़ते हैं ना, शायद इस तरह का था थेल्स पर में। अब आपके जमाने में कैसा था? मेरे जमाने में ऐसा ही है, ऐसा ही था। यहाँ से कलम हम लोग डालते थे, यहाँ से कलम डालते थे, यहाँ से कलम डालते थे, साबित कर देते थे थेल्स पर में, ठीक है? बस हो गया, इतना सा हो जाएगा। हो गया थेल्स पर में इस टाइप का था, इस तरह का फिगर बनाते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं कर रहा था ये क्या है? रचना का मतलब होता है कि अपना से कुछ करना, अपना से नया, अपना से नया कुछ करेंगे, मैंने सोचेंगे कि क्या कर दे कि क्वेश्चन साबित हो जाए। थ्योरम तो यहाँ भी अपना मुंह से देखे क्या कर रहा हूँ, देखिए क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया ऐसा, तो याद रखना यहाँ जो कोण बना बेटा, ध्यान रखो यहाँ जो कोण बना उसका नाम मैंने क्या रखा, एक रेडियन। लेकिन यहाँ जो कोण बनेगा, अच्छा कोण का सिंबल तो मैं दे ही नहीं रहा, सिंबल इस तरह जैसे सिखाया था, या तो ऊपर से या तो नीचे से, ये नीचे से ऊपर है, ध्यान रखना बेटा। नीचे से ऊपर का मतलब पॉजिटिव एंगल, नीचे से ऊपर पॉजिटिव एंगल। यहाँ तो घड़ी इस रूम में नहीं है, घड़ी होता तो कुछ बात बनता, मजा आता था पढ़ाई, ठीक है? वो हमारे क्लासरूम में हम सब व्यवस्था रखे हैं, जब कमेटी पढ़ाते हैं तो बड़ा सा घड़ी रखवा देते हैं, पहले घड़ी को क्वेश्चन बनवा देते हैं। तो चलो बेटा मानो कि यहाँ घड़ी है, गोल गोल की घड़ी, गोल साइड है, या गोल भी नहीं होगा तो रेक्टेंगुलर होगा तभी चलेगा। तो घड़ी में आप क्या देखते हो? यहाँ होता है 12, फिर नीचे 6, 3, 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 3
चलती कैसे है, बोलिए इधर से चलती है कैसे चलती है, हाँ ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं पूछूंगा कि जरा बताइए, इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो कल के थ्योरी के अनुसार घड़ी जिस दिशा में चलती है ऐसे
कैसा कोण बनाती है? निगेटिव एंगल। वाह वाह वेरी गुड, निगेटिव एंगल। घड़ी की दिशा में कैसा कोण बनता है? निगेटिव एंगल। यानी कि हम लोग जो हाथ में घड़ी बांधते हैं ना, हाँ ना, जैसे आप बने हुए हैं, तो इसमें जो कोण बनता है कैसा कोण बनता है? निगेटिव। लेकिन घड़ी के जब विपरीत दिशा में चलेंगे इस टाइप से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एसएससी रेलवे की, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा कोण बनता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा में कैसा कोण बनता है? घड़ी की दिशा में कैसा बनता है? निगेटिव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सारा बात समझ में आ गया। तो ये जो मैंने किया है ना, ये जो मेरे केस की नाम है रचना। क्या नाम है? रचना। कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? यहाँ तक ध्यान रखना ऐसे, जिसको मैंने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। यानी कि आप कहोगे ऐसे ए ओ सी क्या है? थीटा। आप कहोगे ए ओ बी क्या है? क्या है? एक रेडियन। तो ध्यान से सुनो बेटा, ये जितना ये था, जितना ये था, यही से लगा कि अच्छा आंखों कटे हो। याद रखना कि जब रेडियन की परिभाषा हम पढ़ाते हैं तो फिगर में इसको हम एल बोला करते थे। क्या बोलते थे? एल। लेकिन जब हमको साबित करना है थीटा बराबर एल बाई आर, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एकदम, कि जितना ये रहता है ना उतना ही ये होती है। ये तो ठीक है कि इसका नाम है एक रेडियन। यहाँ जो कौन बन रहा है उसका नाम क्या है? वन रेडियन। एक रेडियन। तो देखिए रेडियन लिख रहे हैं तो थोड़ा बाहर निकल जा रहा, उसका सिंपल से ही काम चला रही है, वन के पावर सी। वन के पावर क्या? वन के पावर सी का मतलब होता है एक रेडियन। याद रखो बेटा कि जब साबित करना है थीटा बराबर एल बाई आर, इसको सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कैसे? आर से। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आर होता है। क्यों? कोई चैलेंज कर देगा ना, हम नहीं मानेंगे, बताइए क्यों? तो कहिएगा अरे भैया बात समझिए कि जितना ये त्रिज्या है, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। यही सर आपके ना चापड़ काटते हो, चापड़ काटते हो, इसका मतलब कि जितना ये है उतना ये है। अंतर है कि ये सीधा है, ये क्या है? थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा सा सर्कुलर आकार का है ना। तो बेटा ध्यान रखना, इसे हम आर बोलते हैं और इसे भी क्या बोलते हैं? आर। ये भी आ रहे हैं बेटा, ये भी आ रहे हैं, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये सब के सब त्रिज्या है, ओ ए हो, ओ बी हो, ओ सी हो। ध्यान से सुनना है कि जब ए ओ बी की बात आए तो बोलना कि एक रेडियन का कोण बनता है, और जब ए ओ सी की बात आए तो मुझे नहीं मालूम है, माना हो क्या मुझे? ठीक है, मालूम है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर सी से लेकर ए की दूरी मैं मान लेता हूँ एल है। क्या है? एल है। अच्छा, ये सब क्यों मान रहा हूँ? रचना कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रचना। जैसे थ्योरम को साबित करते हैं तो मैं रचना करते हैं, जैसे थेल्स परिमेय में कई जगह रचना हुई है, एक जगह अहमदाबाद या फिर दोनों को मिलाया गया ना, ये सब रचना है। कौन कौन रचना में आ गया बताइए तू? ये जो है, ये जो रेखा में खींच रहा हूँ, ये जो त्रिज्या में खींच रहा हूँ, ये रचना है। अच्छा, इनके बीच का कोण कितना माना हूँ मैं? थीटा। ठीक है। अच्छा, आपके मन में आएगा सर कि वन रेडियन कहाँ से आ गया? तो कहिएगा ये तो परिभाषा से आ गया कि जब कोई त्रिज्या होती है, वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से जो रेखा गुजरता है वो वृत्त के परिधि तक जाता है तो त्रिज्या होती है, और यहाँ से एक और रेखा गया है तो इसके भी त्रिज्या है, दोनों वृत्त के त्रिज्या है, और दोनों त्रिज्याओं के झुकान से, झुकने से जो कोण बनता है उसका नाम है एक रेडियन। क्या नाम है? एक रेडियन। ध्यान रखो बेटा कि इस टोटल चीज को मैंने क्या माना है? एल माना है। क्या माना है? एल। यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर। ये सारी कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले बताओ बेटा कि ओ क्या है? जरा बताइए, ओ क्या है? सेंटर है। किसका सेंटर है? सर्कल का। सर्कल का। देखिए आराम से लिखेंगे कि लेट, ऐसे लिखेंगे आप, लिखेगा नहीं, लेट ओ बी द सेंटर। क्या लिखेंगे? लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल। आप इंग्लिश से करिएगा नहीं, बहुत आसान इंग्लिश है, इसका हिंदी होगा कि माना कि ओ क्या है? हिंदी होगा कि वो क्या है, तो इस ब्रीथ का क्या है? सेंटर। अच्छा, आर क्या है? आर बराबर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। एंड लगाएंगे उसमें। एल क्या है? एल क्या है? आर्क ऑफ लेंथ। क्या लिखेंगे? आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ क्या लिखेंगे? लेंथ। क्या आपको बाउंस समझ नहीं मार रहा है? नो सर। यहाँ पे कितना चीज हमको दिखा, हमको दिखा ओ, दिखा ओ का मतलब हम समझ गए कि क्या है?
वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है? अच्छा इसी में यहाँ देखा आर का, आर के बारे में बता दे कि आर क्या है, रेडियस है। अच्छा एक चीज और देखा मुझे, एल देखा, एल देखा यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या माना है, एल देखा। एल क्या है बता दिया, आर्क ऑफ लेंथ, इसका हिंदी जरा बताइए, चाप की लंबाई, इसका हिंदी क्या होगा, चाप की लंबाई, इसका हिंदी क्या होगा, माना माना कि वो वृत्त का केंद्र है। तो क्या जरूरत है, हिंदी तो सब जानते हैं, लिखवा भी दे क्या हिंदी, इसका हिंदी बताइए तो, माना कि ओ वृत्त का वृत्त का, आर क्या है त्रिज्या है, एल क्या है चाप की लंबाई, क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ दो तरह का कोण भी बन रहा है, जरा कोई बताएगा, मैं किसी से पूछूंगा, अब जरा बताइए तो आज आपका पहला दिन है, बेटे बेटे बताइएगा यहाँ से, बताइए ए ओ बी कितना है, जरा बताइए यहाँ मुझे लिखना है, एक रेडियन, ठीक है बहुत अच्छा बता रहे आपको, वन रेडियन, क्या बोलेंगे, वन रेडियन, ठीक है। अब मैं फिर किसी से पूछूंगा कि ए ओ सी क्या है, ए ओ सी जी आप बताइए, ए ओ सी क्या है, अरे यार ए ओ सी क्या है, ए ओ सी क्या लिखे यहाँ, ए ओ सी सामने है, ए ओ सी का मान क्या है, थीटा है, बिल्कुल इतना देर कर दीजिए, थीटा सबको दिख रहा ना जी, यस सर, ये तो सामने दिख रहा है कि ए ओ सी, मैंने फिगर भी बना दिया था, यहाँ से लेके गया यहाँ तक, देखिए क्या है थीटा, थीटा लिख दिया, बस हो गया। अच्छा एक चीज और है, वो जानेंगे यहाँ, अच्छा चलो तो मैं लिख ही दिया हूँ कि यार क्या है, रेडियस एल क्या है, सब कुछ हो गया, अच्छा ज्योमेट्री का बढ़िया सर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम सर पढ़ लीजिए कि ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा एक आया था डिफिनेशन कि ए ओ बी यानी वृत्त पर जो केंद्र पहले कौन सा कोण बना था, वृत्त के केंद्र पर कौन सा कोण बना था, उसका नाम क्या था, रेडियन, क्या नाम था, रेडियन, उसका नाम था कोण ए ओ बी, क्या नाम था, क्या करते हैं ना कि छोटा वाला कोण में बड़ा वाला कोण से भाग कर देते हैं, यानी कि ए ओ बी जो पहले कोण बना था ए ओ बी उसमें भाग करते हैं किससे, ए ओ सी में, लिखेंगे ए ओ क्या सी, ठीक है। चलो बेटा तो ए ओ बी का मान बताऊं तो क्या है, ए ओ बी का मान क्या है, वन रेडियन, ठीक है। चलो अवस्थी डाल देता हूँ, बोलिए ए ओ सी बताइए तो क्या, यहाँ पर क्या हो गया थीटा, यहाँ पर क्या हो गया थीटा, तो ये इसका मान हो गया जो नीचे हम लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो बेटा ध्यान रखना है कि ए ओ बी हमारा कितना था, नीचे लिख देते हैं अच्छा रहेगा, देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ओ बी क्या लिखेंगे बेटा बताओ, ए ओ बी का मान बताओ, वन रेडियन, यार वन रेडियन पावर सी जो मैंने सामने लिखा था नीचे लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत है, ए ओ सी बताइए क्या है, ठीटा है, ठीटा लिख दिया बेटा, ध्यान रखो तो आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, देखो बेटा ए ओ बी क्या है, ए ओ बी, अब बताओ कि ए ओ बी के सामने क्या है, आर, ए बी आर है, क्या है, ए बी आर, उसको आपने क्या माना है, आर, आर लिख दो यार, चलो बताओ ए ओ सी के सामने क्या है, ए ओ सी के सामने क्या है, चाप है, बड़ी सी चाप है जिसको हमने क्या माना है, एल, लिख दो यार, तिरछा तिरछी गुणा कर दो, तिरछा तिरछी गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइक्रस मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है। तो वी हैव टू अप्लाई, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, वी हैव टू अप्लाई इन दिस स्टेप बाइक्रस मल्टीप्लीकेशन, बाइक्रस मल्टीप्लीकेशन, इतना नहीं करोगे बेटा तो तुम नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत टफ जमाना है, वो भी बिहारी को बाहर में, बिहारी स्टूडेंट को ज्यादा ही भावना से देखा जाता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनको मार दिया गया, मैं बढ़िया आई आई, और लोगों को ये नहीं पता है कि वो एक्टर ही नहीं वो एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, आईआईटी इंजीनियर, कंप्लीट तो बेचारा नहीं किया, मैंने पूरी आईआईटी कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में ही उनको सीरियल में जगह मिल गया, और सीरियल में पहला सीरियल का नाम है पवित्र रिश्ता, उन्होंने काम किया था पवित्र रिश्ता में, बहुत अच्छा रोल निभाया, और उनकी फिजिक्स इतनी अच्छी है, इसलिए देखिएगा मोबाइल को आप देखिएगा उनका नाम लिया जाता है तो सर्वर लगाया जाता है, सुशांत सर, कोई ऐसा हीरो बताइए जिसका सर लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, बाद में मालूम चला लोगों को यार फिजिक्स में उनको मिला है प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, फिजिक्स उनकी बहुत सुंदर थी, और वो एक पायलट भी हैं, अब जाकर उनकी राह तो खुल रही है, हमारे देश में क्या है बहुत दुखद बात है कि मर जाने के बाद बहुत बुरी कहानी होती है, जिंदा रहने के बाद कोई कुछ पूछता नहीं है, मर जाइएगा ना तो भाई गाड़ी बहुत इतना अच्छा,
मैं इतना अच्छा से बात करता हूँ बहुत सुंदर आदमी जिंदा हुई तो हम गाली देते हैं मतलब एक माहौल ग्रामेटिकली माहौल बता रहा है कि जब इंसान मर जाता है ना तो उसकी बड़ाई हम लोग करते हैं हिंदुस्तान में सांप भाग जाएगा ना तब दिमाग खुलता है मेरे हिंदुस्तान में कहाँ सुन कर मार डलेगा तो अरे वो तो भाग गया जब जिंदा था तो उससे दिमाग नहीं चला रहे तो बिहारियों का ये हाल है देख लीजिए पूरा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार यानी कि मुंबई की पूरी सरकार और वहाँ के जो रहने वाले हैं इनको देख के जलते थे समझा है केस के दबाने के चक्कर में केस के दबाने के चक्कर में तो बिहारियों का ये हाल है अगर आपके यहाँ से कोई बहुत बढ़िया डांसर बच्चा है और उसकी सिलेक्शन हो गई है अच्छे जगह तो उसको लास्ट में छाड़ दिया जाएगा किसी भी ना किसी क्षेत्र में हम बिहारी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग बनना होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि पढ़ने में तेज मारने में भी तेज बात करने में भी तेज हर लाइन में तेज लेकिन हमारे बिहार में एक चीज़ की कमी है ना हम लोग जिसके यहाँ काम करते हैं ना उसी का चोरी कर लेते हैं इसलिए ज़्यादा बदनाम हो गया हमारे बिहारी लोग जाते हैं बाहर काम करने ना तो सोचते हैं कि बात रोज रोज के अंदर करेंगे पता करो मालिक क्या पढ़िया होता है ऊपर को उठा लो सीधा इतने हम लोग टैलेंट आदमी है गुणा कर दिया जाए भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जरा बताइए तो कितना होगा एल एक से गुणा होगा तो एलेन होगा जी इधर से गुणा होगा तो क्या होगा थीटा थीटा जब नीचे हो गया था नो थीटा बराबर क्या होगा बताइए एल एल भाई है आगे नीचे क्या होगा एल भाई क्या हाँ लेकिन कभी भी ये रेडियन में होता है याद रखिएगा लोग साबित करवा देता है लेकिन बगल में लिखता नहीं है संजय सर लिखते हैं रेडियन के इसमें लिखते हैं लिखेगा प्रूफ आज के पढ़ाई में हम लोग एक थ्योरम किए सर्वित की परिधान क्या होता है आने दीजिए उसके बारे में अभी जो सामने है उसके बारे में एक बहुत बड़ा थ्योरम है ध्यान रखिएगा कि ब्रीथ पर कोई आपसे पूछेगा कि ब्रीथ पर जो कोण बनता है तो यहाँ दो प्रकार के कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है ए ओ बी है वो बन रहा है ए ओ सी ठीक है तो याद रखिएगा ये ज्योमेट्री है कि छोटा बटा पहला वाला ए ओ बी बटा ए ओ सी क्लियर है अच्छा उतना बराबर क्या होता है ये हो गया कोणों का अनुपात कोणों का अनुपात बराबर चापों का अनुपात चापों का अनुपात हम यहाँ भी लिख सकते थे जो यहाँ अगर बराबर के चिन्ह दिया गया है तो लिख दिया आर वाई आर ठीक है इसका मान है एक रेडियन इसका मान है थीटा और ये तो आर वाई एल है ये एक बहुत बड़ा ठीक है कुछ अपने पास रखना चाहिए जो बकबक करता है उसके लिए थोड़ा सा जैसे एक सर्किल बना दीजिए ठीक है बोलिएगा कि भैया ये वो कोण है यहाँ पर बन रहा है एक रेडियन यहाँ वो कोण है तो ये भी बन रहा है थीटा तो बताइए आप इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि बताइए इन कोणों के बारे में क्या जानते हैं इसके द्वारा जो चाप बन रहा है जिसकी इसका चाप ये है इसका चाप यहाँ से लगे यहाँ तक इसके बारे में क्या रिलेशन होता है चापों में क्या रिलेशन होता है कोणों में क्या रिलेशन होता है तो आप बताइएगा कि कोणों में क्या होता है अनुपात होता है और चाप में भी क्या होता है अनुपात होता है दोनों एक दूसरे के बराबर होता है दोनों एक दूसरे के बराबर यानी कि यहाँ से अगर ए ओ बी लेते हैं इसको सी लेते हैं तो हो जाएगा ए ओ बी बटा बोलिए ए ओ सी बराबर दोनों का चापों का अनुपात दोनों के चापों का अनुपात ए ओ बी क्या है ए ओ बी क्या है आर ले लीजिए
ए वो सी क्या ले लेते हैं, एल एल हो गया। यानी कि आज के बाद से आप समझ गए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण अगर एक से अधिक बनता है तो कोणों का अनुपात उसके द्वारा जो चाप होता है वो भी अनुपात में होता है, आप दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं, ज्योमेट्री का है, ठीक है, ज्योमेट्री का है। इसलिए तो पूछे हैं कि 9-10 अच्छा है कि नहीं, ये ज्योमेट्री है, ठीक है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, 10 में ये सब नहीं है, ये 9th क्लास का चीज है कि अगर वृत्त का चर्चा की जाए तो वृत्त के केंद्र पर जितना भी कोण बनता है तो जो फर्स्ट कोण बना उतना बटा होता है सेकेंड, समझ में आ गया, यानी ए ओ बी, यहाँ पहला कोण क्या था ए ओ बी, दूसरा का क्या था ए ओ सी, पहला वाला बटा दूसरा वाला बराबर उसके सामने वाली चाप, इसका सामने क्या है ए बी है, इसके सामने क्या है बड़ा काम बोलिए स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, ये जो कोण है ए ओ सी है स्टार्टिंग कहाँ से, देखो मैं यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ से लेके हम इतना दूर देखेंगे कि सामने हमारा क्या है, तो सामने है ए सी ना तो सी ए, ए सी ना तो सी ए, इसलिए मैं ए सी यानी सी ए को मैंने एल माना है, क्या माना है एल। बस इतना याद रखिएगा कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है तो कोणों का अनुपात बराबर बोलिए चापों का अनुपात, कोणों का अनुपात बराबर क्या चापों का अनुपात, यहाँ कोण कितना था एक रेडियन, इसका कोण कितना था डिग्री, यहाँ लिखिएगा रेडियन, लेके दिखा देगा आएगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा, साबित कर दीजिएगा जी, चला दे रेडी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, yes, वो कुछ पूछना है, यू हैव टू आस्क एनीथिंग, आपको कुछ पूछना है, यू हैव टू आस्क एनीथिंग, यू हैव एनी डाउट, एनीबॉडी यू हैव टू आस्क एनी डाउट, नो डाउट, चलो नेक्स्ट डिग्री, यहाँ देखिए मैं रेडी, ठीक है, हम डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखा, जैसा माना कि जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री को रेडियन में बदलना बेटा बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, जीरो में पाई बटा 180 से गुणा करना है, बस हो गया, ठीक है, जीरो डिग्री में पाई बटा 180 से गुणा करेंगे जीरो रेडियन में हो जाएगा, गुणा कीजिए जीरो में किसी भी चीज़ से गुणा कर दें, पहाड़ से, उतनी बड़ी हाथी, हाथी से गुणा करो फिर भी जीरो, समझा नहीं, अच्छा अच्छा किसने भी चीज नहीं होगी भैया किसने, सबसे बड़ा पहचान बताइए दोनों से है, आप एक बार में कटा लेंगे छह मरतमा में, ठीक है, हो गया पाई बाई सिक्स, छह का जमाना खत्म हो गया पाई बाई सिक्स, नहीं लिखेगा तो चलेगा, नहीं लिखेगा तो चलेगा, बता दिया ये पावर सी, ये पावर सी लिखेंगे तभी ठीक है, नहीं लिखेंगे तभी ठीक है, बताओ 45 डिग्री को कैसे होगा, 45 में क्या बाई बाई 45 180 फटाफट बना के दिखाइए, ये बस इतना हो गया, तो किताब से दुनिया की कोई भी किताब उठा कर फिर अगर दिया होगा डिग्री से रेडी, या तो थोड़ा डिग्री से रेडियन करने के लिए क्या करते हैं पाई बटा 180 से, पाई बटा 180 से गुणा करते हैं,
बना ली है। राइट, सब कुछ करेक्ट, सब काम दे रहे हैं। अब खाना चाहते हैं, कुछ करते हैं नहीं, कुछ नहीं, खाली कटाना है दोस्तों। जिस पहाड़े से कटा ले आप, जैसे मन करे उस पहाड़े से करेंगे, आराम से कटा लीजिए। ये कटेगा तो घुमा कर देंगे, ये कटेगा घुमा कर देंगे, ऊपर को ऊपर, नीचे के नीचे। हमें चाहिए था 60 से, 60 का मतलब आपकी हो गई 5v3 5v2 3v2 5v3 3v2 5v3 5v3। इसको याद रहेगी, इसको तुम जवान याद रखिए। 120 5v3 5v4 150 5v3, ठीक है, इस तरह याद रखिए। डिग्री लगा दी, सब पर डिग्री लगा, सब सही है। इसको याद रखिए, ठीक है। 120 नहीं कही आप, 150 मत कही, 5/6। 135 नहीं, 3/4 रटना पड़ेगा ना, रटना नहीं, याद करना, प्रैक्टिस, मतलब एक बार बना लिया ना, एक बार फॉर्म में बनाइए। रटना नहीं है, रटना तो है, रटिएगा तो बुला लीजिए। रटते हैं हम लोग जीवन में, एक ही चीज रट लेते, संस्कृत। कोई कितना टैलेंट होता था, तो डंडा खाते ही बहाना कर लेते, पेट में दर्द से भाग लेते थे। कहाँ पढ़े? स्कूल की बात करते हैं, इस स्कूल में पढ़े जो कि अशोकी हाई स्कूल मिडिल पे है, और वहाँ यहाँ मिडिल किए थे, किए हैं यहाँ मिडिल 7 बार, 7 के बाद 8 नहीं, 7 एक 6 तक 7 एक सीधे 8 में नाम नहीं लगे। हाँ देखिए, मुझे अब थोड़ा सा डिग्री में ना थोड़ा सा छोटा सा गिर लगा, बिंदु डाल के नहीं थी। अब भी सब सही है, 5/2 5/3 5/4 5/6, ठीक है, सब सही है। 2/3 2/3 5/6 5/3 5/2 सब करेक्ट। अगर पावर सी नहीं देंगे तब भी चलेगा, ध्यान रखिए। ऑल राइट, 3/4 5/6 पाई सब करेक्ट, 5/2 5/3 सब सही। लाइट और कहीं भी लाइट है किस्मत अच्छा है, हम लोग का कट जाएगी फिर उसके बाद खुल जाएगा। 2/3 आप इसको नहीं करना है ना, 135 180 बता दीजिए, थोड़ा दिक्कत है। 5 के पाने से कटा दीजिए, छोटा कीजिए, 15 से कटा लीजिए और अच्छा रहेगा। 3/4 5/6 पाई, और एक हमको गड़बड़ लग रहा है, 6/5 लिख दिए हैं का, थ्री पाई बाई फोर फाइव बाई सिक्स पाई। अब इसको भैया याद रहे, कोशिश कीजिए। देखिए जब आप कोटा में जाएंगे ना, अगर आपके पास पैसा हेवी है, आप चाहते हैं कि मैं कोटा में जाकर बढ़िया कोचिंग में पढ़ूँ IIT के लिए, मेडिकल के लिए, तो पहले दिन बता देंगे वहाँ कि ये डिग्री नहीं चलेगा, क्या चलेगा, रेडियन रेडियन, ठीक है। क्योंकि जब 10 आप जाएंगे 12 क्लास में, तो डिग्री में मैं पढ़ाई नहीं, खाली रेडियन में। जैसे 60 आएगा तो वो मैं सिखा दिया हूँ, आप भी सीख लिए। 60 डिग्री को मैं करूँगा 5/180 से घुमा, बस याद रखना, बस याद रखिए कि 60 को 5/2 बोलते हैं, 90 को क्या बोलते हैं, 5/2 90 डिग्री क्या होगा, 5/180 5/2 पावर सी देने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार दे दिए समझने के लिए बस। चलिए 120 है तो क्या सिखाया मैंने, 120 में क्या 5/180
80 किस पहाड़ से कटाते हैं आपके 60 तरीका 60 मिनट से पहले जीरो कौन सी आउट कर लीजिए 6 से कटाते हैं ना 12 छेत्री 18 है और उसी तरह 135 है 135 गुणे क्या पाई बड़ा 180 आप किस पहाड़ से कटाना चाहते हैं 15 से कटाएंगे 15 से कटाएंगे तो कितना होगा 15 गुना 15 एक 12 होगा 12 हो जाएगा 15 नवा 135 बड़े 3 का 9 और 3 4 के 12 यानी होगा 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 उसी तरह इस पर फिर चाहिए 150 छोड़ देते हैं सब लोग कर लिया यस सर टाइम पास करना सीखो क्लियर है बस याद रखिएगा यू हैव टू जस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर 60 डिग्री टू Then we have to speak and ask the anything, any problem that belongs to, we have to 120 that's you have to read as 2π/3 and 135 degree का आपको क्या बोलना है 3π/4 और 150 degree को 5π/6 यानी क्या हम करेंगे 5π/6 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा 5 ये लोग फेमस है तो पहले से जानते हैं दो चीज पहले से जानते हैं 90 को पाई बाई 2 और 180 को पाई 180 को क्या पाई यहां 180 करेंगे ना अब गुणा कर लीजिए पाई बाई 180 से कट जाएगा ठीक है जीरो का जीरो हां 180 कट जाएगा ये क्या होगा पाई ठीक है 150 वाला छोड़े हैं कटा लीजिएगा या उसको भी कर सकते हैं हम लोग पाई बाई 180 ये जीरो कटा लीजिए अब किस पाई से कटाना चाहते हैं 15 कितना हो जाएगा 5/6 क्लियर हो गया अब हम लोग इसका उल्टा पढ़ेंगे ठीक है देखिए रेडियन टू डिग्री हेडिंग भाई चैन रेडियन टू डिग्री टाइम देखते चलिए ना अभी हम लोग पढ़े थे डिग्री टू रेडियन रेडियन टू डिग्री अब इसका उल्टा पढ़ा इधर रेडियन अब इधर पाई बाई 2 इधर क्या होगा मालूम 90 है यहां से शुरू करते हैं हम यहां पाई बाई 6 90 डिग्री पाई बाई 6 पाई बाई 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 लगातार तो अब जो करेंगे उल्टा काम करेंगे पहले क्या थे पाई बटा 180 आपका करेंगे 180 बटा पाई कुछ नहीं करना बेटा बहुत आसान हो गया पाई से पाई कौन सी राशि करना होगी 36/18 अब 30 डिग्री चढ़ा लीजिएगा लास्ट में कटाने के बाद कटाते समय डिग्री नहीं लिखिए कब फायदा लास्ट में जब आंसर लिखेंगे क्या करेंगे डिग्री क्यों डिग्री चढ़ा रहे हैं कि डिग्री में कहा जा रहा है डिग्री में बंद होता है डिग्री में हो गया आंसर हो गया अब बना लो से चाहे तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हैं पहला क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन आपकी किताब में दूसरा क्वेश्चन है रेडियन टू सभी लोग यहां पढ़ाम से हैं कि कोई अदर गांव से गया है आप कहां से आए हसनपुरा से आ रहे हैं आपको संपूर्वा अच्छा संपूर्वा में तो बहुत लड़का होगा कोई तो जरूर होगा जो ट्वेल्व वगैरह किया होगा मेरे यहाँ से आपको कैसे मालूम चला हम लोग अच्छा आप लोग साथ में दोस्ती है दोस्त लोग आपको बताएंगे मेरे यहाँ से हो रहा है ये सभी लोग मैं कल बोला था कि एक पेज में अपने नाम पिताजी के नाम और मोबाइल नंबर लिंक दे दीजिए आज दे दीजिए ठीक है सभी को नाम पिताजी का नाम मोबाइल नंबर हमको लिंक दे दीजिए मास्टर का और डॉक्टर का कोई जात नहीं होता है
हरी जात का नाम है इंसानियत। सुना है मास्टर और डॉक्टर ऐसा पैसा है कोई भी आएगा, राजा हो, राम हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक समान सबको एक नज़र से उसको शिक्षा देना है और इलाज करना है। तो टीचर को और डॉक्टर को कभी भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए मेरे अनुसार अगर चले। और इसमें जो भी है सब मेरे गांव के धरोधर धरोधर हैं और भविष्य हैं, और बगल के गांव के लोग भी भविष्य हैं, बहुत सुंदर बना रहे हैं, बहुत अच्छा। अब बस इसे कंसेप्ट रखिए, थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, इसको दिमाग में बैठा दीजिए। हमें 120 को 2π/3 याद रखना है, 135 को 3π/4, 150 को 5π/6 बोलिएगा नहीं, 150 को 5π/6, 180 को 5, दो जगह साथ ही हो गया ना, बहुत आसान होगा, कर लिया वही आंसर आता होगा जो पहले पढ़े थे। पाई वे थ्री, पाई वे टू,